ओके मिस, ओके सो मिस हमको ये जो अपनी आपने बैलेंस बैलेंस शीट बनाई शीट है, आप हाँ सरप्राइज कराओगे? सो यू आर गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल फंड है तुम्हारे पास। यदि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कैपिटल फंड लिखा हुआ है, तो कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, उसको पहले लिख दो तुम, सबसे पहले कैपिटल फंड 127,50। ठीक है, अब देखो हम जस्ट देखते जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। मैंने कैपिटल अपन को सबसे पहले पुट इन करना पड़ता है, फिर जो चीज बच्चे भूल जाते हैं, मैंने हमेशा क्लास में बोला देखो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट के यहाँ पर जो होता है वो क्लोजिंग कैश बैंक होता है, उसको सबसे पहले बैलेंस शीट में डाल दो, बाद में तुम भूल जाते हो। तो ये लिखो कैश का अमाउंट कितना है, 1450, लिखो 1450, एंड बैंक का अमाउंट 50,000, ये भी लिख लिया, टिक लगा दो भाई, ये तो कर लिया है, ओपनिंग कैपिटल फंड लिख लिया। अब अपन है ना पहले एडजस्टमेंट्स वाली चीजें कर लेते हैं। तो देखो यदि मैं फर्नीचर को देखूं तो 40,000 मेरा ओपनिंग फर्नीचर और क्लोजिंग ज्यादा हो गया, इसका सीधा मतलब क्या होता है, फर्नीचर परचेज किया और फर्नीचर तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही जाएगा ना, तो यदि ओपनिंग 40 है तो मैंने परचेज किया मतलब मैंने पेमेंट किया होगा। देखो पेमेंट साइड में फर्नीचर को देखो 45,000 है, तो अपन सबसे पहले फर्नीचर का वर्किंग कर देते हैं, बैलेंस शीट एसेट में लिखो फर्नीचर, ठीक है बेटा लिखा फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर अपना 40,000 है तो लिखो 40,000, नया जो भी खरीदा है पेमेंट किया 45,000 का, इसका मतलब नया खरीदा था, लिखो एडिशन 45,000 का फर्नीचर नया खरीदा, तो कितने का होना चाहिए था, 40 + 45, 85,000 का फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन 85,000 का फर्नीचर नहीं है, क्लोजिंग तो 75,000 गिवन है, दिख रहा है 75,000, तो बचा हुआ उड़ गया क्या 10,000, अरे डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 10,000, 85,000 -10,000, 75,000 मैंने क्लोजिंग में निकाला। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हिडन एडजस्टमेंट था, अपन को ये करना है। साथ ही साथ कोई भी चीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर भी होता है, लिखो यहाँ पे टू एक्सपेंडिचर में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 10,000, फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। अब देखो बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड बेटा लायबिलिटी होता है, बिल्डिंग फंड इसने ओपनिंग में दिया है 1,50,000, मैं लायबिलिटी साइड में लिख के रख लेती हूँ, ठीक है, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड लिखा 1,50,000, ओके, तो ये 1,50,000 ओपन करके रखा। अब हो सकता है कि है ना कोई और फंड इसमें ऐड हो, तो वो बाद में अपन देखेंगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हमेशा एसआरटी होता है ना, एफडी कराते हैं बाद में इंटरेस्ट मिलता है, तो फिक्स डिपॉजिट एसर्ट साइड में लेके जाओ 1,60,000, बाद में इसका एडजस्टमेंट अपन देखते रहेंगे क्या है। तो फिक्स डिपॉजिट मैं एसर्ट साइड में लिख देती हूँ, एफडी 1,60,000, ओके तो अभी तक मैंने जो इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था सिर्फ वो ही कॉपी किया। अब देखो पॉइंट नंबर टू लिखते हैं, 50% डोनेशन आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, लिखा है 50% डोनेशन आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन को पहले ढूंढना पड़ेगा ना रिसीप्ट में। देखो 1,00,000 की डोनेशन है जिसमें से 50% तो बिल्डिंग फंड की है, सो ऐड करो डोनेशन, 1,00,000 का 50%, 50,000 होगा तो 50,000 इधर ऐड किया मैंने डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, बाहर निकलेगा 2,00,000, और आधी डोनेशन बाकी रेगुलर डोनेशन, तो वो इनकम में हम लिख देंगे पार डोनेशन, टोटल डोनेशन मिलनी थी 1,00,000, उसमें से लेस बिल्डिंग फंड
बिल्डिंग फंड का 50,000 हटा दो इधर, तो नॉर्मल जो मेरी डे टू डे की इनकम मानी जाएगी डोनेशन, वो सिर्फ 50,000 ही मानी जाए। ओके नेक्स्ट। तो मैंने अभी यहाँ पर बिल्डिंग फंड और डोनेशन का भी कर लिया, तो एक मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ कि भाई ये वाला काम मेरा हो गया। नेक्स्ट इज, और इस पे भी टिक लगा दो, थर्ड नंबर, लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज। देखो, जब स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो मेंबरशिप बनी, फी मिली है लाइफ मेंबरशिप ही, उसको कैपिटलाइज करना है, मतलब उसको कैपिटल में ऐड करना है बेटा। तो मिली तो रिसीव साइड में होगी। देखो, लाइफ मेंबरशिप फी 2500, तो 2500 को कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। ऐड करो यहाँ लाइफ मेंबरशिप फी कितना, 2500, ये कैपिटल में ऐड किया। आप इसको भी, थर्ड पॉइंट को भी टिक लगा दो, कर दिया है। फोर्थ पॉइंट, ट्यूशन फी इंक्लूड 12,000 रिसीव फॉर द लास्ट ईयर। तो रिसीव साइड में देखो, पहले ट्यूशन फी है कितना, 1,30,000 की ट्यूशन फी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है समझना, जो रिसीव से पहले उसको इनकम साइड में लेके जाती हूँ, लिखती हूँ बाय ट्यूशन फी। कितना ट्यूशन फी है भाई, 1,30,000। ठीक है, अब यदि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है तो करते क्या है। देखो, पॉइंट नंबर फोर बोला है ट्यूशन फी लास्ट ईयर का, इसका मतलब वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ड्यू बट नॉट रिसीव था, आउटस्टैंडिंग था। और फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी फॉर द करंट ईयर इज 4,200, मतलब करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दे दिया, प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दे दिया। अब अच्छे से याद करो फॉर्मूला क्या होता है, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, याद किया। अब प्रीवियस ईयर का देखते हैं, तो प्रीवियस ईयर का जस्ट ऑपोजिट करेंगे अपन, प्रीवियस ईयर का जस्ट ऑपोजिट करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एंड एड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ट्यूशन फी मैंने 1,30,000 लिखा था। अब देखो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 12,000 है, तो वो मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग के सामने लिख के लेस 12,000। फिर वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी ऑफ करंट ईयर अमाउंटेड टू 4,200, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को मिस आउटस्टैंडिंग को करते करता है। हैं मिस मेरे को आसिफ का मैसेज आया कि वो ज्वाइन कर ही नहीं पा रहा है बिकॉज आपने उसको रिमूव किया, तो अभी क्या कर रहा है? बच्चों, हमको फॉर्मूला याद रखना है, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, करंट ईयर करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर का लेस आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड। तो चलो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,200 ऐड करो, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे ट्यूशन फी मिली नहीं, मिलनी चाहिए थी ना 4,200, तो वो मेरी एसर्ट भी तो होगी। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी भी डालो, देखो मेरे पास थोड़ा जगह कम है, आप अच्छे से डालना। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी एसेट में, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी एसेट में सिर्फ करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की नहीं, क्योंकि करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो 4,200, ठीक है, 4,200। एंड अब ये कैलकुलेशन करके जरा लिखो आप, 1,30,000 एड 4,200 एंड लेस 12,000, 122,200, 122,200। इसमें जो गलती करते बच्चे कि देखो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को भी करंट ईयर के बैलेंस शीट में लेके जाते हो, अरे वो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में थी ना, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,200, मेरी कोई इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो मेरा एसर्ट बनता है, एसर्ट, ठीक है, तो उसको एसर्ट में डाल देंगे। नेक्स्ट, तो हमने ट्यूशन फीस का भी कर लिया, इस पे भी टिक लगाओ, फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट भी मेरा हो चुका है। अब बाकी सब तो बिना एडजस्टमेंट के हैं, तो मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ, तो मैं रिसीव साइड से ओपनिंग कैश ऑन बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुके होंगे, जो मुझे नहीं बनानी है बिकॉज मेरे पास कैपिटल फंड ऑलरेडी है, बाकी का मैं कर चुकी हूँ। टर्म फी 1,00,000, तो जो भी रिसीव साइड का होता है वो फ्लोट होके इनकम में जाते हैं, तो टर्म फी 1,00,000 लिखो यहाँ पे इनकम में, बाय टर्म फी
क्योंकि बोला तो कुछ नहीं है कि कैपिटलाइज करेंगे, टर्म फी वैसे भी हर टर्म ली जाती है, तो रेवेन्यू ही नेचर हुई। इनकम में डालो 1 लाख, ठीक है। एडमिशन ये भी हो गया, टिक लगाओ। एडमिशन फी 40,000, तो एडमिशन फी रिसीप्ट से स्लाइड होके इनकम साइड में जाएगी, लिखो बाय एडमिशन फी। बाय एडमिशन फी 40,000, तो ये मैंने मेरी रिसीप्ट साइड कंप्लीट कर ली। अब मैं आ जाती हूँ पेमेंट साइड पे। देखो सैलरीज 67,000, कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं बेटा, डायरेक्ट डालो टू सैलरीज। कितने का सैलरीज है इधर? सैलरीज अपने को दिया इन्होंने 67,000, टिक लगाओ, चले जाओ एक्सपेंडिचर में 67,000। स्लाइड गेम ही तो है, सोसाइटी में स्लाइड नहीं किया कभी। पेमेंट साइड स्लाइड होके एक्सपेंडिचर साइड में आ रहा है, रिसीव साइड मिस स्लाइड होके इनकम में आ रहा है। हाँ बोल भाई। मिस ये बैलेंस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 26,200 है, इलेक्ट्रिसिटी 26,200 है विदाउट एडजस्टमेंट। लिखो एक्सपेंडिचर में टू इलेक्ट्रिसिटी। कितना इलेक्ट्रिसिटी? 26,200, टिक लगा दो भाई, हो गया है 26,200। उसके बाद बुक्स, एक बात ध्यान रखो बेटा, बुक्स एसेट होती है। 41,300 की इसने बुक्स खरीदी है, ये तो एसेट में जाएगा। मेरे पास जगह कम है, तुम अच्छे से लिखना है इधर। एसेट में लिखो बुक्स। कितने की बुक्स खरीदी? 41,300। लिखो 41,300 की बुक्स खरीदी। ओल्ड बुक्स मेरे पास कोई थी नहीं जिसमें मैं ऐड कर देती, तो मैंने डायरेक्टली बुक्स 41,300 एसेट में लिख दिया और उसको भी टिक लगा दिया। फर्नीचर का एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इज स्टेशनरी 18,300, स्लाइड करो एक्सपेंडिचर में, लेके जाओ टू स्टेशनरी। कितना है स्टेशनरी? 18,300, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है फिक्स डिपॉजिट। बच्चों फिक्स डिपॉजिट एसर्ट होता है, और तुम्हारे पास ऑलरेडी ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट है 1,60,000 जो तुमने एसर्ट में लिखा हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट एड न्यू परचेस्ड जो भी है तुम्हारा, तो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट तुमने 2 लाख खरीदा, तो 1,60,000 ऑलरेडी था, 1,60,000 तुम्हारे पास ऑलरेडी था। अब तुमने उसमें 2 लाख और खरीद लिया, तो 3,60,000। प्लीज इसका मैं इधर लिख रही हूँ, देखना। हाँ 3,60,000, 3,60,000 फिक्स डिपॉजिट अपन ने लिख लिया, और कैश और बैंक अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अभी अपन को सिर्फ इसको क्लोज करना है। देखो जो नॉर्मल में बिजनेस कंसर्न के लिए, जो बिजनेस एंटिटी होती है उसके लिए प्रॉफिट होता है, हमारे लिए सरप्लस है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं है, उनका मोटिव सर्विस मोटिव है। तो अभी सबसे पहले चलो सारी इनकम को ऐड करते हैं। ट्राई चिल्ड्रन खुद से बिना कैलकुलेटर के, है ना? कैलकुलेटर तो है नहीं अपने पास, तो ये खुद से ट्राई करो। 50,000 प्लस 1,22,200 प्लस 1 लाख प्लस जो भी 40,000 है, यदि आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 312,200, 312,200 ये आपका टोटल। और ये चारों का टोटल करो पहले, तो ये चार अमाउंट है हमारे पास। अपन इसका टोटल करते कि अपने पास खर्चा कितना है ना? तो एक्सपेंडिचर का करेंगे तो देखो 10,000। हाँ भाई, मिस आपने जो फोर्थ एडजस्टमेंट की ट्यूशन फीस है वो 12,000, तो मिस वो प्रीपेड है, प्रीपेड लास्ट ट्यूशन फी इंक्लूड रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड नहीं है। यदि मुझे इस साल पिछले साल का कोई अमाउंट मिल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो लास्ट ईयर मिला नहीं होगा, तो वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ना। देखो भाषा क्या है, ट्यूशन फी इंक्लूड्स 12,000 रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। इस साल तुमको पिछले साल का 12,000 क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि वो 12,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा, तो इस साल रिसीव हो रहा है ना। तो इसीलिए रूल क्या, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर,
और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम ऐड की बजाय लेस करते, मैंने यहाँ पे लेस किया 12,000, दिख रहा है? तो मैं ये आपने लायबिलिटी साइड इसलिए नहीं लिखा ना क्योंकि लास्ट ईयर का। क्योंकि लास्ट ईयर था, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, कि किसी को मुझे ट्यूशन फीस देनी थी उसने मुझे नहीं दी, तो वो मेरा एसर्ट है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,200, देखो ना मैंने लिखा है ना 4,200 एसर्ट में, दिख रहा है? ओके, हाँ हाँ मैं समझा टेंथ, समझा। अभी मैं एक्सपेंडिचर का टोटल कर रही हूँ, 10,000 प्लस 67,000 प्लस 262,000 प्लस स्टेशनरी का 18,300। यदि मैं इसका टोटल करती हूँ तो मुझे मिलता है 121,500, लिख लो कॉर्नर में 121,500, ये मेरे खर्चे हैं। और मेरे इनकम का टोटल है 312,200, ठीक है? तो इसमें से ये माइनस करो तो मुझे प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस मिला है, कितना मिला है? 312,200 माइनस 121,500, तो मेरा सरप्लस आता है 197,000। जो बच्चे अभी कैलकुलेटर यूज करे, चलो ये वापस से ये सम करना ही है, ये बोर्ड का ही सम है, मेरे मर्जी से तो आया नहीं। तो यदि कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर चलाते हो ना, आप भुगतोगे ही ना एग्जाम, तो आपको क्या लिखना है? टू सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ, या टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में सरप्लस, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड दैट इज 197,000, और टोटल वापस है 312,200। अब जो सरप्लस है उसको कैपिटल फंड में ऐड करो सरप्लस को। तो कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप थी, उसने बोला था तो मैंने ऐड किया। अब वापस से ऐड करो सरप्लस, कितना? 197,000। तो कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं। 127,500 प्लस लाइफ मेंबरशिप फी 20,500 प्लस सरप्लस 197,000, बाहर निकालो टोटल 331,950। और एक बिल्डिंग फंड और है मेरे पास, ओरिजिनल बिल्डिंग फंड 1 लाख का था, 50,000 की डोनेशन मिली, 2 लाख का हो गया। इस साइड में लायबिलिटी साइड में और कुछ है ही नहीं, तो 331,950 प्लस 2 लाख कितना होता है? 531,950। अब एसेट साइड में आ जाओ बेटा। एसेट साइड में सबसे पहले देखो ध्यान से, बुक्स लिखा 41,300 का, बुक्स एसेट है। उसके बाद फर्नीचर का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जब भी तुम बोर्ड में ऐसे टेबल देखो ना, और जब तुम देखो फर्नीचर यहाँ पे 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 75 दिया हुआ है, समझ लो कुछ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा गेम चल रहा है, इधर डेप्रिसिएशन सब होगा। तो मैंने क्या किया, देखो फर्नीचर 40,000 ओपनिंग, देखो फर्नीचर 40,000 ओपनिंग, तो सबसे पहले मैंने इसको 40,000 ओपनिंग किया। देखो दिखाती हूँ मैं तुमको, फर्नीचर 40,000 ओपनिंग, दिखा येलो में मार्क किया मैंने। उसके बाद पेमेंट में देखो ये बढ़ कैसे गया, कुछ फर्नीचर खरीदा है, ये देखो यहाँ पे 45,000 फर्नीचर खरीदा, तो 45,000 फर्नीचर का एडिशन किया मैं, ठीक है ना? 45,000 फर्नीचर का एडिशन किया, तो 45,000 ऐड किया, दोनों को जोड़ा, तो मुझे कितना मिला है? 85,000, ठीक है? लेकिन क्लोज तो ये 75,000 पे हो रहा है, तो उड़ा थोड़ी ना भाई, 85,000 को मुझे 75,000 तक लेकर आना है। तो सीधी बातें कैसे लाऊं 75,000 तक? 10,000 कहाँ उड़ गया, तो उड़ाएंगे किसके नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से ही तो उड़ाएंगे। तो डालो ना यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 10,000, 85,000 और 75,000 का गैप, डेप्रिसिएशन 10,000, और तुरंत ये डेप्रिसिएशन तुरंत एक्सपेंडिचर में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000, ठीक है? उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी एफडी जो थी, इन्होंने गिवन है कि जो एफडी थी वो 1,60,000 थी, देखो इधर एफडी ओपनिंग 1,60,000 थी। फिर पेमेंट में नया एफडी लिखा है इसने, पेमेंट में जो नया एफडी है
वो लिखा तो है 2 लाख, तो इसको कैसे करेंगे? 2 लाख, 1 मिनट, 2 लाख, तो नया एफडी मैंने ले लिया 2 लाख का, तो ये 2 लाख, प्लीज देखो ये जो 2 लाख है ये ऐड हुआ यहाँ पर और बना 1,60,000 प्लस 2 लाख, 3,60,000, ठीक है, ये एफडी का था। फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, कैश और बैंक, जरा सा ध्यान दो बेटा, कैश और बैंक बच्चे भूल जाते हैं इसको नीचे उतारना, तो हम तो पहले ही उतार लेते हैं, बात ही खत्म। देखो यहाँ पे कैश और बैंक गिवन है तुमको, तो ये दोनों ऐड कर दो, कैश और बैंक अपने बैलेंस शीट में डाल। एंड अब तुम यदि इस साइड का टोटल लोगे तो तुमको टोटल सेम ही आएगा, इसका टोटल करने की कोशिश करोगे तो 531,950 आए। ओके, एक सम मैंने जो कि बेसिक सम है कराया है एनपीओ का, एक बार इसको प्रैक्टिस करना।